अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद यार। बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 में एक्सरसाइज 12.2। तो इस चैप्टर के 12.1 मैंने अपलोड कर चुका तीन पार्ट्स में, तो इन सब के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप यहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिवाइड। तो 1 के 1 देखिए 26 स्क्वायर बाई 13 ए। देखिए बाई के पहले जो नंबर है इसको बाई के बाद जो नंबर है इससे डिवाइड देना, ठीक है। पहले के नंबर को दूसरे के नंबर से डिवाइड देना, बाई मतलब इससे, इसके द्वारा। तो ये ऐसा होता है डिवाइड साइन, तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 26 स्क्वायर, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, ये तो डिवाइड साइन है 13 ए। अब एक चीज देखिए, इज इक्वल टू 26, देखिए 26 तो ठीक है, इंटू यहाँ स्क्वायर को ए इंटू ए ऐसे ही लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ 13 इंटू ए, तो ए से ए कट जाएगी, 13 2 26, तो इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या बचा, 2 इंटू ए 2 ए। तो यहाँ डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आ रही है, मतलब क्वेश्चन जो आ रही है, ये 2 ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 4x डिवाइडेड बाई 4x बाई 3, तो इसको इससे डिवाइड देना, तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डिवाइड साइन है ना, तो ये बहुत ईजी है डिवाइड देना, 4x जैसा है वैसा ही रख देना, और ये डिवाइड की जगह इंटू दे देना, और इसकी रेसिप्रोकल ले लेना। तो रेसिप्रोकल क्या है, नीचे की नंबर ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 3 बाई, इसको उलट पलट करें तो 3 बाई 4x हो जाएगी। आप देखिए 4x से 4x कैंसिल, इजिकल टू 3 हो जाएगी, इजी है। अब नेक्स्ट देखिए 24 स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 3 ab, तो इजिकल टू इसको ऐसे ही लिखे 24 स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 3 ab। अच्छा यहाँ देखिए 3 8 24, अच्छा ए से ए स्क्वायर कट जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर में ए इंटू ए है और नीचे तो ए है, तो ए से ए कट जाएगी, सिर्फ 1 ए बाकी रह जाएगी। तो 1 है मतलब अगर स्क्वायर कट दिया जाए ना, तो सिर्फ ए ही रह जाएगी। अब देखिए बी से बी कट जाएगी, तो इजिकल टू फाइनली क्या बचा, 8 ए बचा, 8, और यहाँ तो ए है ना, 8 ए है। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर 25 p³q² r / -, अच्छा यहाँ माइनस है, -5 q², तो इसको ऐसा ही लिखा, तो इजिकल टू -25 p³q² r / -5 q², क्यू आर। अब देखिए आर से तो आर कट जाएगी, क्यू से क्यू की स्क्वायर कट जाएगी, सिर्फ क्यू बाकी रह जाएगी। अच्छा 5 5 = 25, माइनस से माइनस कट जाएगी, तो इजिकल टू अल्टीमेटली क्या बच रही है, 5 p³q 5 p³ q। यहाँ देखिए पी क्यूब जैसा है वैसा रह जाएगी, क्योंकि नीचे पी नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए 6 2 के 1 नंबर, ये भी डिवाइड है, 6 स्क्वायर b + 3 ab² + 12 ab / 2 ए, तो इन सब को 2 ए से डिवाइड देना। तो देखिए सॉल्यूशन 6 स्क्वायर b + 3 ab² + 12 ab होल डिवाइडेड बाई 2 ए से सब डिवाइड होगी ना। अब एक चीज़ देखिए मान लीजिए ए बाई के है प्लस बी बाई के है प्लस सी बाई के है, अगर ऐसा है तो यहाँ देखिए सबके डिनोमिनेटर मतलब नीचे के सेम है, सेम नंबर है, बराबर है, तो हम इसके केस में डिनोमिनेटर सब के एलसीएम तो सिर्फ के ही होगी ना, के सब के है, तो एलसीएम इन तीनों में से एक के ले लेना। अब देखिए ऊपर जैसा है वैसा प्लस माइनस कर देना, तो इसके ऊपर क्या है मतलब न्यूमेटर क्या है, ए है, बीच में साइन प्लस है, इसके न्यूमेटर बी है तो बी लिखना, प्लस इसकी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई के है। तो देखिए इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में आए, तो इस फॉर्म से भी इस फॉर्म में हम जा सकते हैं, तो ऐसा ही इसको भी ये इसकी तरह तोड़ देंगे, तो इज इक्वल टू देखिए 6 स्क्वायर b डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस 3 ab² डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस 12 ab / 2 ए। अब देखिए 2 3 6 है, ए से स्क्वायर कट जाएगी, अच्छा यहाँ देखिए 2 से 3 नहीं कटेगी, अच्छा ए से ए कट जाएगी, बी स्क्वायर बाकी रह जाएगी, 2 6 12 देखिए, और ए से ए कट जाएगी, तो यहाँ अल्टीमेटली क्या बचा, 3 ए 3 ए प्लस 3 बाई 2 b² 3 बाई 2 b² ये तो 3 बाई 2 है ना, नीचे 2 है, 3/2 तो कट नहीं गया, और यहाँ बी स्क्वायर बचा प्लस 6 b 6 b है, अच्छा यहाँ b है तो 3 ab हो गई 3 ab, तो ये है फाइनल आंसर, इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 18 a³² - 12 a² c + 9 a² / 3 a c, तो इन सबको 3 a c से डिवाइड देना। तो देखिए 18 a³ c² - 12
स्क्वायर सी प्लस नाइन एस स्क्वायर होल डिवाइड बाई थ्री ए सी, थ्री ए सी इज इक्वल टू, आप सब में देखिए सब को थ्री ए सी से डिवाइड देना, तो एटीन ए क्यूब सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री ए सी माइनस ट्वेल्व स्क्वायर सी बाई थ्री ए सी प्लस नाइन एस स्क्वायर बाई थ्री ए सी। आप देखिए थ्री सिक्स जार एटीन, अच्छा यहाँ ए है, यहाँ देखिए ए क्यूब है, ए क्यूब और नीचे देखिए ए है, तो ए क्यूब को ए इंटू ए लिख सकते हैं, नीचे ए है तो ए कैसे एक ए काट देना, ये ए इंटू ए स्क्वायर बचा तो ए क्यूब यहाँ स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सी से स्क्वायर कट जाएगी, यहाँ देखिए थ्री फोर जर ट्वेल्व और ए से स्क्वायर कट जाएगी, सी से सी कट जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए थ्री थ्री जर नाइन है, ए से ए कट जाएगी और सी से सी की स्क्वायर कट जाएगी, तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बचा इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर सी, देखिए सी की स्क्वायर काटा लेकिन पूरा सी नहीं काटा, तो स्क्वायर सी सिक्स स्क्वायर सी माइनस फोर है, फोर सिर्फ ए बचा गया, फोर ए प्लस थ्री सी है, तो ये होते हैं फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को इस टर्म से डिवाइड देना, तो सिक्स वाई क्यूब माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस टू वाई डिवाइडेड बाई टू वाई बाई थ्री है। अच्छा तो इज इक्वल टू, आप देखिए सबके नीचे इसको डाल देना, तो सिक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाई टू वाई बाई थ्री है, माइनस है बीच में, फिर से देखिए फोर वाई स्क्वायर बाई टू वाई बाई थ्री है, प्लस है, यहाँ देखिए टू वाई है तो टू वाई बाई, यहाँ देखिए टू वाई बाई थ्री है, तो यहाँ इसको इस फ्रैक्शन से हम डिवाइड दे रहे हैं, तो एक काम करना इसको जैसा है वैसा ही लिख देना, सिक्स वाई क्यूब। अच्छा देखिए इसको हम डिवाइड दे रहे हैं इस फ्रैक्शन से, तो यहाँ ये तो डिवाइड साइन है, डिवाइड करके इन टू लिख देना और इसकी रेसिप्रोकल ले लेना, तो थ्री बाई टू वाई हो जाएगी, या बीच में साइन माइनस है, इसके केस में भी ऐसे ही करेंगे, तो फोर वाई स्क्वायर इन टू थ्री बाई टू वाई प्लस है, ये हो जाएगा टू वाई इन टू थ्री बाई टू वाई रेसिप्रोकल, ठीक है। आप देखिए टू रिजर सिक्स है, अच्छा वाई से यहाँ वाई स्क्वायर, देखिए वाई से क्यूब काट के वाई स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है, क्यूब काट के वाई स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ देखिए टू टू जर फोर है, अच्छा अच्छा वाई से स्क्वायर कट जाएगी, यहाँ देखिए टू वाई से टू वाई कट जाएगी, सिर्फ थ्री बच जाएगी, ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बचा इज इक्वल टू, अच्छा आप देखिए थ्री थ्री जर नाइन है, एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो टू है ये वाई के स्क्वायर है, इसके साथ इंटू मत करना, ये कोएफिशिएंट है नंबर है, तो नाइन वाई स्क्वायर बीच में साइन माइनस है, यहाँ देखिए टू थ्री जर सिक्स है, ये टू पावर नहीं है और ये वाई है, सिक्स वाई प्लस याद के सिर्फ थ्री है, तो ये होता है फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, इज दी गिवन इन्फॉर्मेशन टू फाइंड दी डिविडेंड, डिविडेंड निकालना, तो क्वेश्चन नंबर वन देखिए डिविजर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ डिविजर है एक्स प्लस वन, क्वेश्चन दी गई है एक्स माइनस वन, डिविडेंड है थ्री, तो डिविडेंड क्या हो गया, तो देखिए हमें एक चीज़ पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, डिविजर डिविडेंड क्वेश्चन और रिमाइंडर की जो कोरिलेशन है इस फॉर्मूले में आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन है, अच्छा इसको सॉल्यूशन बना देंगे, सॉल्यूशन में ऐसे ही लिखना सॉल्यूशन, आप देखिए इस इंफॉर्मेशन में जिसकी वैल्यू जहां है वहां पुट कर देना, तो इज इक्वल टू डिविडेंड है, तो डिविजर क्या है, देखिए डिविजर एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन इन टू या बीच में इन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन यहाँ देखिए प्लस आर रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है थ्री है, तो इज इक्वल टू देखिए एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो एक फॉर्मूला शायद आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर इस पैटर्न में है तो इसको हम डायरेक्टली स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए से ही लिख सकते हैं, तो यहाँ देखिए ए की जगह में एक्स है और बी की जगह में वन है, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर होते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर और यहाँ प्लस थ्री है, प्लस थ्री है, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर मतलब वन है प्लस थ्री है, इज इक्वल टू एक्स प्लस टू हो जाएगी, थ्री माइनस वन टू है, तो फाइनल आंसर ये है डिविडेंड, मतलब यहाँ पर स्क्वायर हो गया, तो भाई ये होते हैं आंसर, बहुत ईजी है। नेक्स्ट टू नंबर देखिए डिविजर है एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्वेश्चन है ट्वाइस एक्स, रिमाइंडर है सेवन एक्स प्लस फाइव,
तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर कितने हैं, डिविजर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस एक्स है, ट्वाइस एक्स प्लस रिमाइंडर सेवन एक्स प्लस फाइव। अच्छा इसको बाद में ऐड कर लेना, पहले इन दोनों को इंटू कर लेना। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स क्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू। अच्छा प्लस वन इंटू ट्वाइस एक्स। अच्छा प्लस अब इन दोनों को ऐड करना, 7x + 5 है तो इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स क्यू प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 7x 9x। ये दोनों तो लाइक टर्म है और यहाँ प्लस 5 है, तो ये है फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट थ्री नंबर देखिए डिविजर x-2, क्वेश्चन है x² + 2x + 3 रिमाइंडर है 0। तो देयरफॉर डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर कितने हैं x-2 है, x-2 इंटू क्वेश्चन x² + 2x + 3 है प्लस रिमाइंडर 0 है, तो 0 को ऐड करें या ना करें क्या फर्क है। अब देखिए इन दोनों को इंटर करना, यहाँ दो फैक्टर्स है दोनों को इंटर करना, तो इस फैक्टर में दो टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में और इसमें तीन टर्म्स हैं, तो इन दोनों से इन तीनों टर्म्स को इंटर करना, तो ऐसा हो जाएगा एक्स इंटू x² पहले x से इन सबको x² + 2x + 3। अच्छा यहाँ बीच में साइन माइनस है -2 इंटू फिर से इसको लिख देना, मतलब -2 से इन तीनों को x² + 2x + 3। अच्छा 0 प्लस करने से क्या हो गया, कुछ नहीं है, तो 0 प्लस करें या ना करें कोई फर्क नहीं। अब देखिए x² into x, x³ + 2x into x, 2x² + 3 into x, 3x। अच्छा आप देखिए ये पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस 2 into x² 2x². अच्छा प्लस माइनस माइनस 2 × 4 into x, 4x प्लस माइनस फिर से माइनस 2 × 3 = 6 है इज इक्वल टू x³ + 2x² - 2x² कैंसिल। अच्छा यहाँ देखिए 3x - 4x, तो यहाँ देखिए 4x बड़ा है और ये नेगेटिव है, तो 4x - 3x इज इक्वल टू 1x और बड़ा का साइन लग जाएगा, तो यानी कि माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस 6 है, तो ये होते हैं फाइनल डिविडेंड। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डिविजर x+2 क्वेश्चन x² + 2x + 3 रिमाइंडर 0, तो डिविडेंड निकालना, तो इज इक्वल टू डिविजर x+2 है इंटू क्वेश्चन x² + 2x + 3 प्लस कुछ रिमाइंडर 0 है, तो इज इक्वल टू x है इन सब को इंटू करना, तो x इंटू x² + 2x + 3 फिर से प्लस 2 इंटू x² + 2x + 3 है। अच्छा यहाँ 0 को इसके साथ ऐड करें या ना करें क्या फर्क, तो x² × x³ + 3 × x² 2x² + 3x + 2 × x² 2x² + 2 × 4 × x 4x + 3 × 6 है, तो इज इक्वल टू x³ + 2x² + 2x² 4x² अच्छा +3x + 4x 7x + 6 है, तो ये है फाइनल डिविडेंड। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर फॉर ईच, ऑल्सो चेक टू सी इफ योर डिविजन इज करेक्ट यूजिंग द रूल डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में कह रही है कि दो एक्सप्रेशन दी गई है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से डिवाइड देना, मतलब बाई के बाद जो एक्सप्रेशन है इससे पहले को डिवाइड दे देना और इसके बाद चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, मतलब ये जो डिविजन रूल होते हैं ना डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, इससे प्रूव कर लेना कि हमारे यहाँ जो डिविजन प्रोसेस है ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है हमारा आंसर जो है ये करेक्ट है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तहत टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, इनमें 3-4 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लूँगा और बाकी के सॉल्यूशन यहाँ आप देख लेना, तो इसको इससे डिवाइड करना। तो देखिए नॉर्मली नंबर को इंटीजर को जैसे हम डिवाइड देते हैं वैसे ही डिवाइड करना, सेम प्रोसेस है, तो देखिए इससे डिवाइड करना, तो x+2 ऐसे ही लिखना और किसको डिवाइड करना है इसको, तो इसको यहाँ पे लिख देना x² + 5x + 6। मान के चलिए हम 52 को किससे डिवाइड दे रहे हैं, 52 को बाय 5 से डिवाइड दे रही है, ठीक है, तो इसको तो हम ऐसे ही अरेंज करेंगे ना, ऐसे ही अरेंज करेंगे, अब डिवीजन प्रोसेस चालू करेंगे ना, तो यहाँ पे भी डिवीजन प्रोसेस चालू कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसे यहाँ एक चीज़ देखिए, ये तो पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन है, ये तो सिंपल नंबर है, तो कैसे करें देखिए बहुत ईजी है। फर्स्ट देखिए आपको कुछ नहीं देखना सिर्फ इस टर्म को देखना, ये x² है और इसकी पहले की टर्म x है, तो इसको इसके नीचे ऐसे लिखना, आप डिवाइड देना, इसको इससे डिवाइड दे देना, तो
एक्स स्क्वायर कट जाएगी ना, सिर्फ एक्स बच जाएगी, तो यहाँ पे एक्स हो गई। फर्स्ट टर्म की जो क्वेश्चन आ रही है ये एक्स आ रही है। आप देखिए इसका मतलब क्या है, एक्स के साथ कौन सी नंबर को इंट करने से एक्स स्क्वायर मिलेगी, तो जाहिर सी बात एक्स है, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसको पता नहीं चले तो इस प्रोसेस में जाना, यहाँ जो जिसको हम डिवाइड दे रही है इसकी पहली जो टर्म है इसको जिससे डिवाइड दे रही है इसकी पहले की टर्म से डिवाइड दे देना, जो आएगी ना क्वेश्चन जो आएगी यहाँ पे इस पर लिख देना, बस हो जाएगी। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ध्यान रखिए हमेशा यहाँ पे ऊपर की जो नंबर है सेम वैसा ही यहाँ पे होगी, सेम होगी। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगी, यहाँ जो नंबर होगी यहाँ भी होगी, यहाँ जो पावर होगी यहाँ भी सेम पावर होगी। आप क्या करना, आप देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ जो नंबर आया ना, यहाँ जितने सारे टर्म्स इसके बाद आएंगे सबसे इसको इंटू कर देना, तो यहाँ सिर्फ एक टर्म टू है तो टू से इसको इंटू करना, टू इंटू एक्स ट्वाइस एक्स, तो ट्वाइस एक्स इसके नीचे होगी ना, देखिए लाइक टर्म के नीचे लिख देना, तो टू इंटू एक्स ट्वाइस एक्स, तो ये फाइव एक्स है, तो फाइव एक्स और ट्वाइस एक्स एक जैसा है, लाइक टर्म है, वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, यहाँ तो वेरिएबल सेम ही होंगे लेकिन पावर सेम नहीं हो सकते, तो जिसकी पावर सेम है इसको इसके नीचे पुट कर देना, तो टू इंटू एक्स टू एक्स है, तो इसके साइन यहाँ क्या होगी, इसके साइन पॉजिटिव है, इसके साइन भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 है, सिंपल। आप तो फर्दर नहीं है तो एक काम कर देना, अब यहाँ माइनस कर देना, देखिए यहाँ देखिए इस पर हम क्या करते हैं। अच्छा ये मान लीजिए 72 है, 72 है, मान लीजिए 5 से 72 को हम डिवाइड दे रहे हैं, ये तो एक साथ कर सकते हैं, हाँ मान के चलिए एक साथ हम नहीं कर रहे, अलग अलग कर रहे हैं, तो देखिए 5 7 में वन टाइम होगी, 5 1 5 है, अब क्या करना है, इसको तो हम माइनस करेंगे ना, तो वैसे ही इसको भी हम माइनस करेंगे, तो देखिए जब यहाँ माइनस करना मतलब क्या है, नीचे की लाइन में जितने सारा टर्म्स आ रही है, नीचे की एक्सप्रेशन में जितने सारा टर्म्स आ रहे हैं सबको माइनस कर देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई सिक्स है, इन सबको माइनस कर देना, तो सबको माइनस कर देने से यहाँ साइन पलट जाएगी, ये तो निगेटिव हो जाएगा ना, तो माइनस ब्रैकेट ओपन करने से माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखिए प्लस माइनस माइनस ट्वाइस एक्स हो जाएगी, मतलब नीचे के टर्म्स जितने हैं जितने सारे टर्म्स हैं सबके साइन अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम माइनस कर रहे हैं, इससे इसको सिर्फ इसको नहीं इसको भी जितने सारे टर्म्स यहाँ आ रही है सबको माइनस कर रही है, तो ये प्लस यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगी, ब्रैकेट में दे देना, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो रही है ना, तो ऐसे ही माइनस साइन पुट कर देना यहाँ ब्रैकेट में, छोटी छोटी ब्रैकेट में, ठीक है। और साइन इसको देखना, इसको कभी भी ना देखना। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये तो कट जाएगी, यहाँ पे देखिए ये तो माइनस है, तो 5x माइनस ट्वाइस एक्स, देखिए इस साइन को मत देखना, इस साइन को अगर लिया जाए तो 5x प्लस ट्वाइस एक्स इजिकल 7x हो जाएगी, जो गलत हो जाएगी, इसलिए क्या करना इस साइन को देखना, तो 5x माइनस ट्वाइस एक्स ट्राइस एक्स हो गए। अब इसको डाउन कर लेना, प्लस 6 है। अब फिर से वही रूल लगाएंगे, अब देखिए यहाँ साइन क्या हो गया, इसके साइन देखिए पॉजिटिव है, इसके साइन पॉजिटिव, तो प्लस है प्लस है प्लस है, ठीक है, साइन की एडजस्टमेंट हो गई। अब देखिए 3x के साथ 3x पाने के लिए यहाँ x के साथ कौन सी नंबर इंटू करना, तो इसकी जो पहली टर्म है 3x इसको इसकी पहली टर्म से डिवाइड दे देना। अब देखिए फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गई, और इस प्रोसेस में यहाँ सिर्फ एक ही टर्म आएगी, तो इस x के डिवाइड देना, तो x से x कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा 3 बचा, तो यहाँ पे 3 हो गई, तो मतलब क्या है 3 इंटू x 3x, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो गए। अब क्या करना, अब इससे इसको इंटू करना, तो 2 3 6 है, प्लस है प्लस है प्लस है। अब देखिए ये तो माइनस हो रही है ना, ये माइनस हो रही है, ये भी माइनस हो रही है, तो देखिए 3x माइनस 3x गया, 6 माइनस 6 ये भी गया, तो रिमाइंडर क्या है 0 है। अब यहाँ देखिए देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है एक्स प्लस 3 है, और रिमाइंडर शॉर्टकट लिख रहा हो क्या है 0 है। अब देखिए चेक करना, चेक मतलब ये जो क्वेश्चन है और ये जो डिविजर है दोनों को इंटू करना, तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 प्लस रिमाइंडर 0 है, तो इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स से इन दोनों टर्म्स को इंटू करना, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 3 एक्स इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 2 है, तो प्लस 2 इंटू फिर से एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 है प्लस 0, तो 0 ऐड करें या ना करें क्या फ़र्क, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 3 6 है,
और यहाँ 6 प्लस 0 जीरो लिखते हैं क्या होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो देखिए डिविडेंड में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इज इक्वल टू डिविडेंड, ये तो डिविडेंड के बराबर आ रही है ना, तो मतलब क्या है इन दोनों को इंटू करने से डिविडेंड के बराबर आ रही है, यानी कि ये जो हमारा सोल्यूशन है ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 3y² प्लस 10y माइनस 9 बाई 3y माइनस 2, तो इसको इसको इससे डिवाइड करना, तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर मैंने सॉल्व किया, तो बाकी जो 3-4 क्वेश्चन है बीच में इनके सोल्यूशन यहाँ देखा दूंगा, ठीक है आप ट्राई कर लेना खुद ही। तो देखिए यहाँ 3y है, आप देखिए क्या करना, इसको इससे डिवाइड कर देना, यहाँ पे कौन से नंबर हो गए इसको ढूंढना ना, तो 3y² को 3y से डिवाइड करना, तो 3 से 3 कैंसिल, y² कैंसिल हो जाएगी, तो मतलब y, यानी कि यहाँ अगर y पुट किया जाए, यानी कि इसके साथ y इंटू किया जाए तो 3y² हो जाएगी, देखिए 3y इंटू y 3y² y इंटू y y² आप क्या करना, इससे यहाँ जो नई नंबर आया इसको इंटू करना, तो 2 इंटू y 2y है, अच्छा 2 इंटू y 2y है, ये माइनस है तो ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2y, आप देखिए इसकी लाइफ टाइम कौन सी है 10y है, ठीक है देखिए दोनों में y है तो माइनस 2y है, अच्छा अब तो हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, यहाँ देखिए जब यहाँ पूरा टर्म्स को हम माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगी, ठीक है अब देखिए 3y² माइनस 3y² कैंसिल, 10y अच्छा ये तो प्लस है, तो 10y प्लस 2y 12y, तो प्लस 12y, यहाँ ये पहली टर्म है इसलिए लिखना ज़रूरी नहीं, माइनस ये क्या है 9 है। अब फिर से देखिए यहाँ कौन सी नंबर होगी, तो देखिए यहाँ साइन होगी, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो प्लस है प्लस है प्लस है, अब 3y के साथ कौन सी नंबर इंटर करने से 12y आएगी, तो देखिए इसको इससे डिवाइड दे देना, 12y को 3y से 3y, तो y से y कट जाएगी, 3 4 12, यानी कि यहाँ 4 होगी, 3y इंटू 4 12y है, अच्छा प्लस माइनस माइनस है, 2 4 8 है, तो ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, ठीक है तो 12y माइनस 12y गया, अच्छा माइनस 9 प्लस 8, माइनस 9 प्लस 8 मतलब कि 9 माइनस 8 है तो 1 है, और बड़ा नंबर नेगेटिव है तो इसकी साइन लगाना, तो यहाँ रिमाइंडर माइनस 1 आ रही है, तो देयरफॉर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज इक्वल टू y प्लस 4 है और रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस 1 है, कितनी ईजी है आप चेक करना, तो देखिए इन दोनों को इंटू करना, तो देखिए 3y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4, वाई प्लस 4 है प्लस रिमाइंडर माइनस 1 है, माइनस ऑफ 1, अच्छा इज इक्वल टू देखिए 3y माइनस 3y से इन दोनों को फिर माइनस 2 से इन दोनों को, तो 3y इंटू वाई प्लस 4, वाई प्लस 4 है माइनस 2 इंटू फिर से वाई प्लस 4 है, अच्छा प्लस माइनस माइनस 1 है, तो इज इक्वल टू अब देखिए 3y इंटू वाई 3y² अच्छा प्लस 3y इंटू 4 3 4 12y है माइनस 2 इंटू वाई 2y, अच्छा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 8 है और यहाँ माइनस 1 है, अच्छा तो इज इक्वल टू 3y² 3y² 12y माइनस 2y 10y, तो प्लस 10y माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 9 इज इक्वल टू डिविडेंड, तो ये देखिए डिविडेंड की बराबर आ रही है ना 3y² प्लस 10y माइनस 9, तो मतलब क्या है चेक भी हो गया, तो हमारे यहाँ जो सॉल्यूशन है ये करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x³ प्लस 8 को x माइनस 2 से डिवाइड करना, तो पहले काम करना यहाँ कौन सी नंबर होगी, तो x² होगी, देखिए इसको इससे डिवाइड देके आपको x² मिलेगी, तो x इंटू x² x³ आप देखिए इससे इसको इंटू करना, तो 2 इंटू x² ट्वाइस x² और प्लस माइनस माइनस है, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर वाला कोई टर्म है नहीं, तो इसको कहाँ पे पुट करना, लास्ट में पुट करना माइनस ट्वाइस x², यहाँ तो इसकी लाइक टर्म नहीं है ऊपर, आप देखिए ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, ये पूरा टर्म को तो माइनस करना है, तो ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, अब देखिए x³ माइनस x³ गया, अच्छा आप पहले इसको लिखना, ये तो पॉजिटिव बन गया ना, तो 2x² हो जाएगी और इस 8 को यहाँ यहाँ देखिए ऊपर से इसको नीचे ले आ रही है ना, तो इसकी साइन चेंज नहीं होगी, जैसा है वैसा,
रह जाएगी क्लास एट। फिर से देखिए प्लस से प्लस है प्लस से, दोनों पॉजिटिव है मतलब प्लस। अच्छा अब देखिए ट्वाइस एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स से इंटीग्रल डिवाइड देना तो एक्स से स्क्वायर कट जाएगी तो ट्वाइस एक्स बच जाएगी, तो मतलब इसके साथ ट्वाइस एक्स इंटू करने से ट्वाइस एक्स स्क्वायर हो गई, तो एक्स इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर है। अच्छा अब इसको इसके साथ इंटू करना तो टू टू ज़र फोर इंटू एक्स फोर एक्स प्लस माइनस माइनस, तो माइनस फोर एक्स, तो यहाँ देखिए एक्स वाला तो कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे माइनस फोर एक्स लिख देना, तो ये निगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है तो इसको पहले लिखिए फोर एक्स, यहाँ प्लस एट है, अब फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो गए, तो यहाँ देखिए प्लस है फिर से प्लस है, तो यहाँ देखिए एक्स के साथ कौन से नंबर इंटर करने से फोर एक्स हो गई, ऑब्वियसली फोर है तो एक्स इंटू फोर या फिर फोर इंटू एक्स फोर एक्स है। अच्छा अब देखिए इसके साथ इसको इंटर करना, इसका काम खत्म, तो इसके साथ इसको तो टू फोर ज़ार एट है, एट के नीचे एट है लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस एट है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस है तो फोर एक्स माइनस फोर एक्स गया, तो यहाँ देखिए एट प्लस एट सिक्सटीन है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आया सिक्सटीन आया, और क्वेश्चन क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस फोर, फिर देखिए ध्यान को क्वेश्चन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस फोर और रिमाइंडर इज इक्वल टू सिक्सटीन है, आप चेक करना, तो इसके और इसको इंटू करना, तो देखिए x माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस फोर प्लस रिमाइंडर 16 तो इज इक्वल टू एक्स से इन तीनों को तीनों टर्म्स को, तो देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है। अच्छा प्लस है ये तो प्लस है पॉजिटिव है तो x इंटू ट्वाइस एक्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर, फिर देखिए प्लस x इंटू फोर फोर एक्स है। अब देखिए माइनस टू से इसको इंटू करना तीनों को, तो माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर देखिए प्लस माइनस माइनस है टू इंटू ट्वाइस एक्स फोर एक्स फोर एक्स, फिर देखिए प्लस माइनस माइनस टू फोर जार एट तो माइनस एट है और यहाँ प्लस सिक्सटीन है प्लस सिक्सटीन तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए एक्स क्यूब। अच्छा ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी, अच्छा फोर एक्स माइनस फोर एक्स कैंसिल हो जाएगी, अच्छा सिक्सटीन माइनस एट एट हो जाएगी तो एक्स क्यूब प्लस एट, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस एट ये डिविडेंड है ना तो इज इक्वल टू डिविडेंड, तो चेक भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए एट एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस फिफ्टीन बाई फोर एक्स प्लस वन, तो इसे इसको डिवाइड करना, तो पहले देखिए एट एक्स क्यूब है एट एक्स क्यूब डिवाइड करना फोर एक्स से, तो देखिए देखिए एक्स यहाँ क्यूब है ना तो क्यूब काट कर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फोर टू ज़र एट, तो मतलब यहाँ ट्वाइस एक्स स्क्वायर है ट्वाइस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसके साथ ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू करने से एट एक्स क्यूब आ जाएगी एट एक्स क्यूब। आप क्या करना वन से इसको इंटू करना तो वन ट्वाइस एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव है तो प्लस है प्लस है प्लस और ट्वाइस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस एट एक्स क्यूब माइनस एट एक्स क्यूब कैंसिल। अब देखिए ये भी माइनस तो सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर तो दोनों ही निगेटिव है तो माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट यहाँ एक्स स्क्वायर है, इन सबको नीचे ले आना टेन एक्स प्लस फिफ्टीन। अब देखिए यहाँ क्या हो गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। अब देखिए एट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर एक्स तो एक्स एक्स स्क्वायर कट जाएगी और फोर टू ज़ार एट तो ट्वाइस एक्स होगी तो यहाँ ट्वाइस एक्स हो जाएगी, ठीक है तो फोर एक्स इंटू ट्वाइस एक्स फोर टू ज़ार एट इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर तो एट एक्स स्क्वायर। ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ जो साइन है यहाँ भी सेम साइन होगी माइनस होगी क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस है। अब देखिए इसको इसके साथ इंटू करना तो वन इंटू ट्वाइस एक्स ट्वाइस एक्स प्लस माइनस 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 ट्वाइस एक्स तो इसके साथ लाइक टर्म है तो माइनस टू एक्स है। अब देखिए ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अच्छा देखिए एट एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स स्क्वायर कट गया ये देखिए पॉजिटिव ये दोनों पॉजिटिव है तो टेन प्लस टू ट्वेल्व है ये भी पॉजिटिव हुआ तो ट्वेल्व एक्स यहाँ प्लस फिफ्टीन है। अच्छा प्लस है प्लस है प्लस हो गई। अब देखिए यहाँ ट्वेल्व एक्स और यहाँ फोर एक्स
एक्स एक्स कैन चल, फोर थ्री जर ट्वेल्व, यानी कि यहाँ थ्री है तो फोर एक्स इंटू थ्री, थ्री फोर जर ट्वेल्व एक्स। अच्छा वन इंटू थ्री थ्री है तो प्लस प्लस है, प्लस थ्री है तो ये है नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। तो देखिए ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व कैंसिल, अच्छा फिफ्टीन माइनस थ्री ट्वेल्व है तो यहाँ रिमाइंडर ट्वेल्व है। तो देयर फोर क्वोशेंट, क्वोशेंट इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स को यार माइनस ट्वाइस एक्स प्लस थ्री और रिमाइंडर क्या है ट्वेल्व है। आप देखिए चेक, इसके बाद इसको इंटू करना तो फोर एक्स प्लस वन इंटू ट्वाइस एक्स को यार माइनस ट्वाइस एक्स प्लस थ्री प्लस रिमाइंडर ट्वेल्व है। ठीक है तो देखिए इज इक्वल टू फोर एक्स इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर तो फोर टू जर एट, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एट एक्स क्यूब, अच्छा माइनस फोर टू जर एट है और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा आप देखिए इसके साथ तो थ्री इंटू फोर एक्स, थ्री फोर जर ट्वेल्व तो प्लस ट्वेल्व एक्स। अब वन से सब को इंटू करना तो प्लस वन इंटू ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वन इंटू ट्वाइस एक्स तो ट्वाइस एक्स, वन इंटू थ्री थ्री है, यहाँ प्लस ट्वेल्व है। ठीक है अच्छा तो इज इक्वल टू एट एक्स क्यूब, एट एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस एट एक्स के, यहाँ माइनस एट एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर तो माइनस एट प्लस टू माइनस सिक्स होगी, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर, ट्वेल्व एक्स माइनस टू एक्स तो ट्वेल्व माइनस टू टेन तो प्लस टेन एक्स, यहाँ थ्री प्लस ट्वेल्व फिफ्टीन तो प्लस फिफ्टीन है। तो देखिए इसके साथ मैच हो रही है ना तो ये किसके बराबर है, ये तो डिविडेंड है ना तो इज इक्वल टू डिविडेंड तो चेक हो गया। तो बाकी जितने क्वेश्चंस है यहाँ मैंने सॉल्यूशन दिखा दूंगा, ठीक है आप खुद ही ट्राई कर लेना। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।